बुराई का डंडा चाहे कितना ही मोटा क्यों ना हो, सच्चाई के आगे अक्सर झुकी जाता है। बहुत बोलता है तू, मार उसको। एक बार भी नहीं चिल्लाया पंता जी। ये आदमी है या पत्थर? चूर चूर करके मिट्टी में मिलाना आता है मुझे। कुछ भी नजर नहीं आ रहा पंता जी। ये रोशनी कैसी? इंस्पेक्टर साहब, कानून को अपने हाथों में मत लाए। कानून आप हाथ में ले रहे हैं कुलकर्णी सरकार, मैं तो बस एक बेकसूर को हाथ दे रहा हूं। ज्यादा बकबक मत कर, वो बचाएगा इसे फकीर? तू प्रयास तो करके देख, यदि इसे बचाने का प्रयास किया तो ये साहेब है ना, मार मार के ऐसा हाल बना देंगे तेरा। साई को छूने से पहले आपको हम सबके ऊपर से गुजरना पड़ेगा कुलकर्णी सरकार। एक आदमी को मार पड़े या पांच को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साई के भक्त पांच से कई ज्यादा है साहेब, जरा बाहर जाके देखिए। सर, बाहर पूरा का पूरा गांव आ गया है। ये उपद्रवी ऐसे नहीं मानेंगे, सबको अंदर कर दीजिए। कुलकर्णी सरकार, इतने सारे लोगों को गिरफ्तार करके हम रखेंगे कहां पर? सर, ये जो साई बाबा है ना, कई बड़े बड़े लोग इनके भक्त हैं। काका साहेब दीक्षित, नाना साहेब चांदोरकर, और तो और हमारे अल्बर्ट सर भी। अगर हमने साई बाबा पे उंगली उठाई तो ये सारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, हमारे पास इस लड़के के खिलाफ सबूत है, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। सूरज ने कोई गुंडागर्दी नहीं की, हम सब वहीं थे।
और इस बात की पुष्टि मिल के कुछ और कर्मचारी भी करने को तैयार है जो इस समय बाहर खड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम सूरज को ले जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप हमें मार सकते हैं, कैद कर सकते हैं। आपके साथ कोई हिंसा नहीं करेगा। धीरे चंदू, धीरे, चलो। दादा, 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 मुझे पड़ोस की काका ने बताया कि दादा को चोट लगी है और उन्हें यहाँ लाए हैं, लेकिन दादा तो आंख ही नहीं खोल रहे और इतने घाव, क्या हुआ इन्हें? मुसीबत आई थी बेटा, लेकिन अब टल गई है क्योंकि तुम्हारा भाई अब साईं की शरण में है। साईं, आप इन्हें ठीक कर देंगे ना? ईश्वर पे भरोसा रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आने जाने हैं धूप और साए, बावराए मनवा तेरा उलझ न जाए, मन आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। बाबू, ये आप क्या कह रहा है? वही जो तुम सुन रहे हो। जो जो कर्मचारी सूरज के पक्ष में गवाही देने पुलिस स्टेशन गए थे, उन सब की लिस्ट बनाओ और कल सुबह ही बिना सैलरी या बिना नोटिस दिए उन सब को नौकरी से निकाल दो। किंतु बोलन बाबू, इतना लोग को एक साथ? हाँ, और यदि ये तुमसे नहीं हो रहा है तो कल सुबह तुम्हारा इस्तीफा मेरे टेबल पे छोड़ के चले जाओ। दादा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाता। साईं, आप सच में ईश्वर का रूप है। आपने सिर्फ मेरे दादा को ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को बचाया है।
मैं यहाँ कैसे आया? साई तुम्हें छुड़ा कर लाया है बेटा। मैं ही नहीं, पूरा गांव तुम्हारे साथ था सूरज। यही ताकत होती है सच्चाई की, एकता की। जब सच्चाई का साथ देने के लिए सब एकजुट हो जाएं और अहिंसा का मार्ग अपनाएं, तो बड़ी से बड़ी हिंसक ताकतें भी घुटना टेक देती हैं। नहीं सूरज, मेरे पैर नहीं। जो बदले की भावना तुम्हारे मन में चल रही है, जो हिंसा के ख्याल तुम्हारे मन में पनप रहे हैं, उनके होते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। मैं जानता हूं सूरज, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। पहले भी हुआ था, आज भी हुआ है, लेकिन हिंसा से सिर्फ हिंसा बढ़ती है। देखो ना, जो हिंसा तुम्हारे साथ हुई थी, उसी ने तो तुम्हारे अंदर की हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। फिर हिंसा से किसी का क्या भला हो सकता है, तुम खुद सोचो। मुझे मिल मजदूरों के लिए लड़ना होगा, उनके अधिकार के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं सूरज, और ये पूरा गांव भी, लेकिन तुम्हें अपना मार्ग बदलना होगा। साईं, आपने मेरी जान बचाई है, आपके लिए जान दे भी सकता हूं, लेकिन मैं गलत हूं ये मैं नहीं मानूंगा। मैं आपकी बात सुनके शांति से विरोध करने गया था, लेकिन उन लोगों में इंसानियत है ही नहीं। ऐसे लोगों को उनकी भाषा में ही समझाना पड़ता है। मेरे बाबा भी आपकी तरह ही सोचते थे। क्या हुआ उनके साथ? आज की दुनिया में हक छीनना पड़ता है, और यही मुझे करना पड़ेगा। तो फिर मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हें मेरी और तुम्हारे बाबा की बातों की अहमियत समझ आए, अहिंसा की ताकत समझ आए। माफ कीजिए साईं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। होई है सोई जो राम रची राखा। बताइए तो साहब, हमें यहां क्यों बुलाया है आपने? ओ हम लो, सूरज भी आ गया। ओ ये तो दूसरा सूरज है, थैंक गॉड। बोलिए ना साहब, आप इतना समय लगाएंगे तो काम देर से होगा, फिर आप उसके भी पैसे काट देंगे। आज के बाद तुम में से किसी का एक पैसा भी नहीं कटेगा। लगता है सूरज की लड़ाई असर कर गई। हरिओम, बिल्कुल सही कहा तुमने। उसके कारण ही ये सब हुआ है। उसका साथ देकर तुम लोगों ने हमारे साथ जो विश्वासघात किया है, उसके लिए मैं तुम सबको अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूं। और जब नौकरी ही नहीं होगी तो तुम लोगों के पैसे कटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सरकार, हमारे परिवार का क्या होगा? हम पर रहम कीजिए सरकार।
कुछ नहीं सुनने वाला आज मैं। तुम लोगों ने क्या सोचा था, मालिक के विरुद्ध बगावत करोगे और तुम लोगों को कुछ नहीं होगा? बड़ा साहस दिखा रहे थे ना उस सूरज का साथ देकर। अब भुगतो और जाओ, उसी के पास जाकर काम मांगो। ठीक है सरकार, चले जाएंगे। आज तक साई के आशीर्वाद से दो रोटी मिल जाती थी, आगे भी मिल जाएगी। आप हमारा हिसाब कर दीजिए। ऐसा हिसाब कुछ नहीं मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने जो मिल में भूल की है, उसकी भरपाई के लिए तुम लोगों के बचे पैसे काट रहा हूं मैं। नहीं सरकार, आज हम अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाएंगे। इतना दुस्साहस, मुझसे तर्क वितर्क करोगे तुम लोग? कुलकर्णी सरकार के निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हो तुम लोग? एक दिन उस सूरज के संगत में रहकर मुझसे ऐसे बात करने लगे, कुछ नहीं मिलेगा। अभी निकलो यहां से, नहीं तो इतना मारेंगे कि घर तक जाने के लिए शरीर में एक हड्डी नहीं बचेगी। अब बोलो, अपने पैरों पे जाओगे या अर्थी पे? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पहले तो सिर्फ साई थे, अब हमारे साथ सूरज भी है लड़ने के लिए। देखते हैं आप कितने दिन तक हमारा हक मारते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी औकात का सही आकलन करना सीखो। निकाल दो इन्हें यहां से। कल तक इनका मुंह नहीं खुलता था मेरे सामने, एक ये सूरज के आते ही इतनी अकड़ कैसे आ गई इनमें? दादा, आपको आराम करना चाहिए, लकड़ी काटने का काम मैं कर दूंगा, आप खाना खा लीजिए। मुझे खाना नहीं खाना, तुम अंदर जाओ। दादा, दादा सुनिए तो, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, खाना खा लीजिए। बोला ना नहीं खाना, अंदर जाओ तुम। आई? आपको तो भूख नहीं थी ना? इतने सालों बाद आई मुझे खाना खिला रही है। मैंने इस पल का बरसों से इंतजार किया है। जानते हैं दादा ये किसकी कृपा से हुआ है? साई की। आई अपने आप द्वारका में आई गई और वहां उन्होंने अपने हाथों से लड्डू भी बनाए। जब से साई मिले हैं एक उम्मीद सी मिली है दादा, लगता है आई जल्दी ठीक हो जाएंगी।
मैं जानता हूं साईं, आप कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी नीचता देख के मन कर रहा है जाकर मिल में आग लगा दे। जाकर मिल में आग लगा दो। अगर इससे तुम्हारी मुश्किल का हल निकलेगा तो जरूर करो, अगर मन को शांति मिलेगी तो जरूर करो। मैं तुम्हारी चिंताओं से अनभिज्ञ नहीं हूं, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से देने में फायदा सिर्फ बुराई का होता है, क्योंकि अच्छाई को तो भुलाया जा चुका होता है। विवाद नहीं, समस्या का हल संवाद में है। कल हम सब मिलकर कुलकर्णी सरकार और बलवंत जी से मिलेंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। सूरज वही तो कर रहा था, लेकिन उसके साथ बलवंत जी और सरकार ने धोखा किया ना। लेकिन कुछ कर भी तो नहीं पाए ना, हमें हिंसा भी नहीं करनी पड़ी, शांति से बात की, एकजुट होकर बात की, संगठन को शक्ति बनाया हमने। हम अक्सर अहिंसा की ताकत को समझते नहीं है और इसलिए उसे आजमाते भी नहीं है। ठीक है साईं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम सब। मिल से तो और लोगों को भी निकाला गया था ना, सब साथ चलेंगे तो ज्यादा असर होगा। बाकी सब लोग कहां हैं? मैंने कहा था कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन सूरज भाऊ, वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उन लोगों से लड़ना आसान नहीं होगा। और उनके जुल्म सहना आसान है। अगर आज हिम्मत नहीं की तो जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी और भूख से तड़पते रहोगे और वो लोग तुम्हारा खून चूसते रहेंगे। लेकिन सूरज भाऊ, हम करें क्या? वही जो वो लोग सालों से करते आए हैं, जैसे लठैतों के दम पे तुम्हें डराते और पीटते आए हैं, अब हम सब मिलकर उनके साथ यही करेंगे और दुनिया को बता देंगे कि गरीब अब जुल्म नहीं सहेगा। उनका वो हश्र करेंगे कि दुनिया का कोई भी अमीर गरीब का फायदा उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। मैं तुम सबके हक के लिए लड़ने को तैयार हूं, सवाल यह है कि क्या तुम अपने हक के लिए लड़ोगे? हम लड़ेंगे। बहुत अच्छे, तो फिर नेक काम में देरी कैसी? हम सब अभी के अभी चलकर अपना हक लेंगे। लेकिन सूरज भाव, हमारे पास तो कोई भी हथियार नहीं है, हम लड़ेंगे कैसे?
ए, इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? कुलकर्णी और बलवंत को बुलाओ, क्योंकि इसके बाद जो होगा उसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार होगे। लगता है तेरी कुटाई होने में कुछ कमी रह गई थी पिछली बार। हाँ? ओम, ये कैसा कोलाहल है? कुलकर्णी, तू बाहर आएगा कि हम अंदर आए? तू, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरे वाड़े में बिना अनुमति घुस जाए, इतनी रात को आकर मुझे धमकाए? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लट्ठेतों की लाठी तोड़ी है। आगे कोई हिंसा ना हो इसका फैसला तुम्हारे हाथों में है। हमारी मांगे पूरी करो, इन लोगों को वापस काम पे रखो और सबकी तनख्वाह बढ़ाओ। करेंगे, कल सुबह बात करेंगे। फैसला तो अभी ही होगा। फैसला अभी करना है। ठीक है, फैसला अभी होगा। क्या कर रहे हैं सरकार? सरकार, मेरा फैसला यह है कि तू अभी के अभी यहां से निकल, नहीं तो नहीं तो सरकार, सरकार ये क्या कर रहे हैं आप? सरकार, अगली गोली तेरा सीना चीर देगी, निकल यहां से। गोली चलाने के लिए हिम्मत चाहिए कुलकर्णी, जो कि तुझ में है ही नहीं। मैं आज बलवंत और तुझसे अपनी मांगे पूरी करवा के ही रहूंगा। आगे माता रोक, समय पूरा हुआ। आज ही इनको शहर जाना था, तो अब क्या होगा? ये गुंडा तो मान ही नहीं रहा है।
कुलकर्णी, तू शिरडी वालों के लिए शाप है, लेकिन मैं आज सब खत्म कर दूंगा। सूरज, तुम यहां आए थे ये सोचकर कि कुलकर्णी सरकार को सबक सिखाओगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे हाथों इनकी हत्या होने की नौबत आ जाएगी। सोचो सूरज, और अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम अपने घर जाकर अपनी मां की गोदी में सर छिपा सकते? क्या अपनी मां के सामने भी जा पाते हैं? यही है हिंसा के मार्ग की सच्चाई सूरज। मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण कब खोते उसे पता ही नहीं चलता है। आज आपका लिहाज करके जा रहा हूं साईं, लेकिन अगर कल इसने सभी मजदूरों को नहीं वापस लिया और उनसे माफी नहीं मांगी तो जो आज अधूरा छोड़ के जा रहा हूं वो पूरा करूंगा। और कल मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। कुलकर्णी सरकार, मैं शायद इस एक सूरज को फिर रोक लो, लेकिन अगर आप अपने लोगों के साथ ऐसे ही अन्याय करते रहेंगे तो नए नए सूरज पैदा होते रहेंगे। ए फकीर, कहीं तुझे ये भ्रम तो नहीं हो गया है कि तूने मेरी रक्षा करके तू मेरे लिए भगवान बन गया है? अगर तू नहीं भी आता तो वो सूरज मुझे कुछ नहीं कर पाता, इसलिए तेरा ये भाषण बंद कर। जाकर अपने अंधभक्तों से कह दे, नील कितने भी लाभ में क्यों न हो,
यदि मुझे और मजदूर कम करने से अधिक लाभ मिलता है तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। सब भूखे मरेंगे और ये तो अपनी आंखों से देखेगा। और ये भी सुनते जा, सूरज ने आज जो किया है उसका दंड मैं उसे अवश्य दूंगा। ऐसा दंड दूंगा कि कुलकर्णी सरकार के भय से दोबारा कोई सूरज पैदा होने की कामना से भी डरेगा। हरिओम। हुई है सोही जो राम रचिदा का। पहली बार शिरडी में ऐसा कोई आया है जिसने कुलकर्णी सरकार की हवाएं उड़ा दी। मुझे एक बात पता चली है कि वो एक डंडा घुमा के एक साथ कई लोगों को धराशायी कर देता है। आज तक कुलकर्णी वाला सबसे आलीशान लगता था शिरडी में, कल जो तोड़फोड़ हुई है उसके बाद तो वो एकदम खंडहर लग रहा है। मुझे तो बुरा लग रहा है। कुलकर्णी सरकार अच्छा आदमी नहीं है ना सही, लेकिन वो घर केशव का भी है और वो इस समय शिरडी में नहीं है। अगर साई सही समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। चिंता की बात तो यह है कि सूरज की देखा देखी गांव में हर कोई मार पिटाई और हिंसा की भाषा बोलने लगा है। कुलकर्णी जैसे दुष्ट आदमी के लिए सूरज जैसा आदमी ही ठीक है। साई ने पता नहीं क्यों बचा लिया उस कुलकर्णी सरकार को। भिक्षाम देही। सरकार मुझे माफ कर दीजिए। चुप। तुम लोगों के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा कल। कुलकर्णी वाड़े की ओर आंख उठाकर देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज कुलकर्णी वाड़े को देखकर हंस रहे हैं सब। वो लड़का मुझे कल मारने वाला था पत्थर से कुचल के, और तुम दोनों में से एक भी मुझे बचाने नहीं आया, और मुझे उस फकीर के काले जादू की भेंट लेनी पड़ी। ये सब तुम लोगों के कारण हुआ है। तुम दोनों जीवित रहने के योग्य नहीं हो। जिंदा गाड़ दो इन दोनों को इसमें। रुक जाओ। आप क्या कर रहे हैं सरकार? इन दोनों को जिंदा गाड़ रहे हैं। होश में आइए, होश में आइए। कल जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती थी। थोड़ा शांति से काम लेते तो मामला इतना नहीं बिगड़ता। तो क्या करूं मैं? उस लड़के के सामने घुटने टेक दूं? आज तक वो फकीर अपने काले जादू से मुझे मात देता आया है, लेकिन अगर ये कल आए लड़के भी हमें चुनौती देने लगे और शिरडी में उनकी जय जयकार होने लगे तो मैं ये सहन नहीं करूंगा। बलवंत जी, इन गद्दार लठेतों के साथ सूरज और उसके परिवार को मैं नष्ट कर दूंगा, उसके घर को आग लगा दूंगा मैं, ताकि लोग सूरज को शहीद मानने लगे। सूरज मरेगा लेकिन एक नायक की तरह नहीं, एक खलनायक की तरह। मैं बताता हूं आपको कैसे।
पहले मैं सूरज दादा बनूंगा और तुम कुलकर्णी सरकार। ठीक है। तैयार? हाँ। मेरी बात नहीं मानी सरकार तो बहुत मारूंगा। अब मैं सूरज दादा और तुम कुलकर्णी सरकार। ठीक है। तैयार? हाँ। बचाओ बचाओ मुझे, माफ कर दो, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा कुलकर्णी सरकार। मुझे माफ कर दो, बचाओ। तू दुष्ट है, तू पापी है। अपने दादाजी का मजाक उड़ते देख तुम्हें बुरा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दादाजी ने लोगों को बहुत परेशान किया है, लेकिन कल रात हम सब लोग इतना घबरा गए थे वो तोड़फोड़ देख के। मैंने मेरे घर वालों को इससे पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। पर मेरे अपने दोस्त ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो चलो ना समझाते हैं नंदू और चेतन को, उन्हें बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। नहीं, कोई फायदा नहीं। इस समय सूरज दादा ने जो सबके लिए किया वही सही है। मार्टन, मेरा एक काम करोगे? सूरज भाव जिंदाबाद, 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 सूरज भाव जिंदाबाद। आई, बाहर लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। सुनो ना आई, क्यों ना दोबारा तुम साई के लिए लड्डू बना दो। आई देखो, आई आई मैं बूंदी ले आया हूं। अगर तुम जल्दी से लड्डू बना दोगी तो साई के भोजन के समय से पहले मैं उन्हें पहुंचा सकूंगा। लीजिए। सूरज भाऊ, आपकी हिम्मत के बारे में सुनकर हमारे साथ और भी मजदूर जमा हुए हैं। सूरज भाऊ, लेकिन कल पहली बार कुलकर्णी के मुंह पे डर दिखा, और अब तो हम भी नहीं डरते कुलकर्णी सरकार से। साई ने कहा है कि मजदूर द्वारका माई में है और वहां से फिर मिल जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने के लिए बात होगी। लेकिन सूरज भाऊ, हमने तय किया है कि हम सब आपके साथ रहेंगे। साई का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये साधु संत की बात, ये अहिंसा की बात कुलकर्णी जैसे चोर लुटेरे आज तक नहीं समझ पाए तो अब क्या समझेंगे? जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करो, यही दुनिया का नियम है। बिल्कुल सही कहा सूरज भाव। सूरज भाव जिंदाबाद, सूरज भाव जिंदाबाद, सूरज भाव जिंदाबाद, सूरज भाव जिंदाबाद। मेरे नाम के नारे लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तो कसम खाओ या बातें नहीं कुछ कर गुजरने का समय है। अन्याय के खिलाफ अब आवाज नहीं हथियार उठेंगे। राजी हो?
ले लो। बचाओ। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें आज। जी माफ कर दो। चेतन उठ। चल जा घर से मेरे लिए पानी लेकर आ। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो बोला है वो कर। मैं क्यों लेकर आऊं पानी? नहीं लाएगा तो मारूंगा। बेस्ट नहीं। अगर तू मुझे मार सकते तो मैं भी तुझे मार सकता हूँ, ये मत बोल तू। अच्छा मार्टन नहीं चेतन रुको। चेतन मुझे भी प्यास लगी, क्या तुम मेरे लिए पानी लाओगे? अभी लाया प्रहलाद। चेतन जरूरत नहीं है। साई ने देखा तुम सब जो कर रहे थे और उससे प्रहलाद को भी बहुत दुख हुआ, इसीलिए साई ने एक जरूरी बात समझाने के लिए मुझसे नाटक करने को कहा। मार्तंड ने हिंसा करके अपनी बात मनवानी चाही लेकिन चेतन नहीं माना और प्रहलाद ने इससे प्यार से पानी लाने को कहा तो ये तुरंत मान गया। यही फर्क होता है हिंसा और अहिंसा में। बच्चों को हिंसा कोई उपहास का विषय ना लगे, हंसने हंसाने का विषय ना लगे, यह समझाना बड़ों की जिम्मेदारी होती है। अगर बड़े ही उनके उपहास में हंसने लगे तो बच्चे हिंसा की गंभीरता को कभी नहीं समझेंगे और ना ही अहिंसा की अहमियत को। ऐसे बच्चे जिस भी समाज में पलेंगे उस समाज में हिंसा को साधारण समझा जाएगा। तो साईं क्या आपको लगता है सूरज दादा ने गलत किया? लेकिन सूरज दादा तो गरीबों के लिए लड़ाई कर रहे, गरीबों के हक के लिए। उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे पूरा करने का रास्ता सही होना बहुत जरूरी है। भय और हिंसा से हमें ऊपर ही ऊपर भले ही लगे कि समस्या का समाधान हो गया है लेकिन वो हमारा भ्रम होता है। समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। समस्या को भी करुणा और संवेदना की नजर से देखा जाए। हिंसा केवल हिंसा को ही जन्म देती है और जहां हिंसा हो उस समाज में स्थिरता संभव ही नहीं है। हिंसा अहंकार का प्रमाण है और अहिंसा अहंकार के ना होने का। अंधकार अहंकार का पर्याय है क्योंकि अहंकार में अंधकार की तरह कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया कि जब कुलकर्णी सरकार के घर पर हमला हो रहा था तब उसमें तुम्हारा दोस्त भी शामिल था। कल इसे भी कुछ भी हो सकता था। हमें माफ कर दो प्रहलाद। हमें माफ कर दो प्रहलाद। हम समझ गए साई, लेकिन साई हमारे परिवार के भी कुछ लोग मिल में काम करते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्या करें साई? मैंने चंदू से संदेश भिजवाया था, आज शाम 4 बजे सब द्वारका में ही आए, उसके बाद शांति प्रदर्शन के लिए हम वहां से मील तक पदयात्रा निकालेंगे। देख लिया आपने घर का जो किया सो किया, लेकिन घर की बहू बेटियों को बच्चों को भी इतना डरा दिया
रात भर सो नहीं पाए वो लोग। हाँ, इतनी तोड़फोड़ की है साई ने यहाँ आकर, मेरी तो जान जाते जाते बची है। वो और उसके भक्त, आंखें बंद करती हूँ तो भी वही सारा दृश्य घूमता रहता है। और मेरा बेटा, वो तो इतना डर गया है, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा सामान्य हो पाएगा। लेकिन मैंने जो साई के बारे में सुना है, एक बूढ़ा आदमी इतना बड़ा वायलेंस कर सकता है? आई डोंट बिलीव इट। सर, यही तो कारण है वो हर बार बच जाता है। लेकिन अगर आपको असलियत खुद अपनी आंखों से देखनी है तो 4 बजे आप खुद द्वारका माई जाइए, सब सबूत मिल जाएंगे आपको। खिलाफ अब आवाज नहीं, हथियार उठेंगे। विशाल, अब तू भी खाना खा ले। क्या है? हाँ, कल रात से देख रहा हूँ मैं, तुम मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। आज जब मजदूर लोग आपके नाम के नारे लगा रहे थे, तब आई अचानक से चौंक उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आई को वो नारेबाजी याद आ गई जो बाबा के लिए हुई करती थी हमारे घर के बाहर। बस फर्क यही है दादा, बाबा के लिए लोग इसीलिए नारे लगाते थे क्योंकि वो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। लोग उन्हें साधु और संतों जैसा सम्मान देते थे। लेकिन आपके नाम के नारे लोग इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि कल रात आपने किसी के घर हमला किया था और अपने साथ ही साथ दूसरों को भी हिंसा के लिए उकसा रहे थे। वो तो मैंने आई को रोक लिया और उन्होंने आप में से किसी को भी लाठियां उठाते नहीं देखा। अगर आई देख लेती तो उन पर क्या बीतती? कैसे दादा, बाबा के बेटे होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाबा के दिए गए शिक्षा, उनके संस्कार सब भूल चुके हैं क्या आप? बाबा के बारे में मुझे मत सिखा। बाबा के आदर्शों से बाबा को क्या मिला? जान से मार दिया उन्हें हमारे सामने, और हम अहिंसा का पाठ पढ़ के कुछ नहीं कर पाए। ये दुनिया अहिंसा पे चलने वाले लोगों को कमजोर समझती है, लेकिन मैं कमजोर नहीं। विशाल, तू पागल हो गया क्या? आई से कलम की छीना? तू जानता है ना आई के लिए इस कलम की क्या कीमत है? इस कलम का कोई महत्व नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इस कलम से तो बाबा उस अखबार के लिए लिखते थे जिसमें वो अंग्रेजों से लड़ने की बात किया करते थे, लेकिन अहिंसा को माध्यम बनाकर। लीजिए दादा, इसे तोड़ दीजिए। जब आप बाबा के आदर्शों को, उनके सपनों को तोड़ आए हैं, ये तो कलम है। जब बाबा की यादों को छोड़ आए हैं कहीं दूर, तो फिर इस कलम की क्या कीमत आपके लिए? इसे आप नहीं तोड़ेंगे दादा तो मैं तोड़ दूंगा।
पागल हो गया क्या विशाल? भूल गया तू कि बाबा के जाने के बाद मैं उनके ही आदर्शों पे चला, लेकिन बदले में? जानता हूँ दादा, लेकिन आप अपना नहीं कम से कम आई का तो सोचिए। आज भले ही उन्हें कुछ ना समझ आता हो, लेकिन जब वो ठीक होंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं, तो उन्हें दुख नहीं होगा। मेरी हिंसा लोगों की भलाई के लिए है विशाल, उनके हक के लिए लड़ रहा हूं मैं। जब आई को ये पता चलेगा तो वे मेरा साथ जरूर देंगे। आई कभी हिंसा का साथ नहीं देंगी दादा, और ना ही मैं। मैं फिर से याद दिला दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। साई, हम तो शांति और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, लेकिन क्या बलवंत जी और कुलकर्णी सरकार पे उसका असर होगा? सूरज ने तो शुरुआत में कोशिश की भी थी, लेकिन उसका परिणाम सब जानते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निकल पड़ना कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन है उस मार्ग पर डटे रहना, खासकर जब चुनौतियां सामने हो, जब समय लगे। जो उस मार्ग पर डटा रहा, जो उस मार्ग पर डगमगाया नहीं, उसकी विजय निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हम एक हैं, हम में से कोई भी बहकावे में नहीं आया, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप आगे नहीं जा सकते। कारण जान सकता हूं? हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट है। कल रात को जो कुलकर्णी सरकार के घर पर हमला हुआ है, उसमें आप भी शामिल थे। और हमें यह भी खबर मिली है कि आज भी आप हिंसा का इरादा लेकर ही मिल में जा रहे हैं। सच्चाई यह है इंस्पेक्टर साहब कि हम शांति से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ। मैं तो कंफर्म करना चाहता हूं ताकि वायलेंस ना हो, इसीलिए हमें आपके भक्तों की तलाशी लेनी होगी। चेक करो। जी सर। तो सुनो, आपकी योजना क्या है? खबर यह है कि जिन मजदूरों को काम से निकाला गया है, उनमें से कुछ मजदूर सूरज के साथ हैं और बाकी सारे उस साई के साथ हमारे मिल के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि सूरज के साथ जो मजदूर हैं, उनमें कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें मैं पहले ही खरीद चुका हूं। राजी है। We'll be right back.
हरिओम। फिर ये कि जब वो फकीर अपने मजदूरों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए निकलेगा तो उनके साथ मेरे खरीदे हुए मजदूर भी शामिल हो जाएंगे हथियारों के साथ। और इधर हम पुलिस को बता देंगे कि साईं का उद्देश्य शांतिपूर्ण नहीं लग रहा है, वो हिंसा फैलाना चाहता है। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों की तलाशी लेंगी तो मेरे खरीदे हुए मजदूरों के पास वो हथियार बरामद होंगे। वो लोग जब पकड़े जाएंगे तो सब सोचेंगे कि सूरज ने ही ऐसा करवाया है अपने साथियों को भेजकर। और जैसे ही सूरज की वजह से उस फकीर को अरेस्ट किया जाएगा, फकीर के भक्त गुस्से में आकर सूरज को जान से मार देंगे। हरिओम। हाँ हरिओम। रुको साहब, ये देखिए सर, देखिए दरोगा साहब, हमें नहीं पता ये सब क्या है। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना था। इंस्पेक्टर साहब, साई ने इंसल्ट तो बहुत की थी आपकी उस दिन, जिस तरह से वो सूरज को लेकर गए थे आपकी हिरासत से। देखिए आज तक कोई भी साई को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाया है, लेकिन इस बार खबर पक्की है, साई हिंसा करने की योजना बना चुका है। इस बार आप जब साई को रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे सबूत के साथ, तो आपका प्रमोशन पक्का, मेडल भी पक्का, और साई के साथ साथ उस सूरज को भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। बाकी जो कुछ भी संभालना है मैं संभाल लूंगा। कमिश्नर साहब से बात करूंगा आपके बारे में। इन सब के लीडर तुम हो साईं, इन सब का जिम्मेदार तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। साई हमारे भगवान हैं। आप इन्हें हथकड़ी नहीं पहना सकते। और ये लोग हमारे साथ नहीं है, ये तो सूरज के साथ थे। मैंने खुद देखा ही इन्हें उसके घर के बाहर, सबके हाथ में लाठियां थी तब। देखिए ये लोग चुप है, इसका मतलब ये बात सच है कि ये सूरज के ही साथी है। और मुझे इसमें जरा सा भी शक नहीं है कि सूरज ने ही साजिश की है साई के खिलाफ, साई को बदनाम करने की। हम सूरज को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। हमारी ड्यूटी में रुकावट बनोगे सबको सजा मिलेगी। हमें साई के खिलाफ सबूत मिले हैं, इसलिए वो गिरफ्तार जरूर होंगे। सूरज को भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी हिंसा करेगा, जो भी, उसे जेल जाना होगा। पर हिंसा तो सूरज ने की थी, साई तो हिंसा के खिलाफ थे। ये झूठे सबूत है, साजिश है ये। और हम भी देखते हैं कि आप साई तक कैसे पहुंचते हैं। हाँ, हम भी देखते हैं।
जिस जिस के मन में हिंसा का ख्याल आ रहा है वो अभी इसी वक्त यहां से जा सकता है। फिर मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं तो ये शांति प्रदर्शन यात्रा सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कर रहा था कि बिना हिंसा के भी समस्या का समाधान संभव है, लेकिन तुम सब तो हिंसा के मार्ग पे ही चल पड़े। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सूरज के आदमी हो या नहीं, फिलहाल इस प्रदर्शन में तो मेरे साथ होने का दावा करके ही आए थे ना। क्या मैं इनसे कुछ बात कर सकता हूं? सर, बात करने दीजिए, क्योंकि इन सारे लोगों को सिर्फ सही कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए शांति से जो करना चाह रहा है करने दीजिए। कारा और तुम महेश हो ना? जी जी बाबा। बाबा, बाबा कहा है, सूरज भी कहता है, इसलिए तुम मेरे कहने पर हथियार लाए या सूरज के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों भी मेरी संतान की तरह ही हो और संतान के किए का भार अक्सर पिता को जाता है, इसलिए मैं ये कबूल करता हूं कि तुम जो भी करने आए थे उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं मान लेता हूं कि मैं जानता था कि तुम्हारे पास हथियार हैं और हम जानबूझकर सिर्फ हिंसा के उद्देश्य से मिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन साई ये सच? इसलिए मैं गुनहगार हूं और मेरे साथ जितने लोग हैं वो भी, और इनकी पत्नियां भी। पत्नी? हमारी पत्नी कैसे गुनहगार है? ये दोनों तुम्हारे लिए हम सबके साथ शांति प्रदर्शन में आ रही थी ताकि तुम सबकी नौकरी फिर से लग जाए, लेकिन तुमने तो इन्हें गुनहगार बना दिया। नहीं साईं, हमें हमारी गलती समझ आ गई है। साहब, हमने झूठ बोला था। हम यहां हथियार लेकर न साई के कहने पे आए थे और न ही सूरज के कहने पे। हाँ, हम सूरज के साथ थे, लेकिन फिर बलवंत जी ने हमें पैसे दिए और बोला कि साई के जुलूस में हथियार लेकर शामिल हो जाएं ताकि साई गिरफ्तार हो जाए। और गांव वाले सूरज को जिम्मेदार मानकर उससे लड़ने लगे। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो कुलकर्णी सरकार और बलवंत जी को करिए। गिरफ्तार कर लीजिए उन्हें। पहले तो सबको भील से निकाला,
जब सूरज और साई हम लोगों के हक के लिए सामने आए तो इनके खिलाफ साजिश रच डाली। साइलेंस। पहले ये दोनों लोग साई के आदमी बनकर आए, फिर तुम लोगों ने कहा ये सूरज के आदमी है, फिर ये चुप रहे, अब बोल रहे हो कि कुलकर्णी सरकार और बलवंत जी ने पैसे दिए। ऐसे लोगों की कौन सी बात को मैं सच मानूं? लेकिन अब तो यह साबित हो गया है कि सूरज साई के साथ नहीं है, फिर साई का क्या दोष? नहीं, मुझे फिर भी साई को अरेस्ट करना होगा, क्योंकि एक और शिकायत आई है साई के खिलाफ। कल रात को जो कुलकर्णी सरकार के घर पर तोड़फोड़ हुई है, उनके निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, उसमें साई का भी हाथ है। साहब, ये सरासर नाइंसाफी है। आप कुछ भी करके साई को बस हथकड़ियां पहनाना चाहते हैं और इसलिए आप कोई भी इल्जाम लगाते जा रहे हैं। तोड़फोड़ सूरज ने की थी, सबको पता है, सबने देखा है। साई ने वहां जाके तोड़फोड़ रोकी है, साई ने जाने बचाई है। इंस्पेक्टर साहब, कल रात क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। नहीं साई बाबा, आज आप कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं अभी तुमको क्या करोगे? गिरफ्तार कर लो, क्योंकि मैं आज आत्मसमर्पण करने ही आया हूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि यहां से मुझे या साईं किसी एक को लिए बिना जाओगे नहीं, फिर चाहे इल्जाम सही हो या गलत। पर चलो इस बार ये शांति रहेगी मन को कि सही इल्जाम में गिरफ्तार हो रहा हूं मैं, क्योंकि कल रात कुलकर्णी वाड़ा पे हमला करने वाले मैं और मेरे साथी थे। वो तो साईं बीच में आ गए, वरना आज कुलकर्णी का अंतिम संस्कार हो चुका होता। साईं ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया, इसलिए मुझे गिरफ्तार करो। इन दोनों को भी ले लो, चलो। सूरज, तुम बहुत जल्द छूट जाओगे, लेकिन कोई ऐसा कदम मत उठाना। और कुछ मत कहिए साईं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। साईं को बचाने के लिए सूरज भाव ने आत्मसमर्पण किया। सूरज भाव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूरज भाव जिंदाबाद। जितना जिंदाबाद सुनना है सुन लो, क्योंकि इसके बाद न तुम बाहर की दुनिया देख पाओगे ना ही सुन पाओगे। जिंदाबाद सूरज भाव, 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 जिंदाबाद। ये मुस्कुरा क्यों रहा है? उस सूरज के ढलने से पहले आप इस सूरज के हाथों की हथकड़ियां खोलकर मुझे खुद रिहा करेंगे। क्या कहा था मैंने? एक पुलिस वाले को मार ले, क्या मारने की धमकी देने की सजा जानते हो ना? हाथों की हथकड़ी नहीं खोलने की सजा बता सकता हूं? जान से नहीं मारेंगे,
लेकिन आपको इतना पीटेंगे कि आप कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। आपकी भी नौकरी जाएगी, जैसे हम सब मजदूरों की गई है। देर बंद कर भी देखो कि आजादी खोकर कैसा लगता है। वैसे मैं बता दूं कि इस रास्ते से कोई बैलगाड़ी नहीं गुजरती है और ना ही आम तौर पे इधर से कोई गुजरता है, तो पता नहीं कि कब कोई तुम्हारी मदद करने पहुंचेगा। सूरज, जख्मी तो नहीं किया है मैंने तुम्हें, पर बड़ा मन था कि कभी किसी अधिकारी को मारूं। एक बार तो बनता है। जानते हो क्यों मारा? इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझे मारा था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने साईं को परेशान किया था। इन गद्दारों का क्या करना है सूरज भाव? तुम दोनों ने अपनी गलती कबूल कर ली है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। गांव जाकर कुलकर्णी से कह देना कि सूरज बागी हो गया है, अब उसे किसी का डर नहीं। कुलकर्णी और बलवंत अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। चलो। ए, रुक! ए, सूरज! बचाओ! बचाओ हमें! अरे बचाओ! ए बैलगाड़ी! अरे इधर! ए बचाओ! 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 ए बैलगाड़ी वाले इधर! ए रुको! ए रुको! ओ भाऊ, निकालो हमें यहाँ से। कुछ बदमाश लोग हमें यहाँ बांध के चले गए हैं। वहाँ हमारे इंस्पेक्टर साहब भी हैं। अरे देख क्या रहे हो? खोलो मुझे। कौन हो तुम लोग? हमें क्यों मार रहे हो? हम सब सूरज भाव के साथ हैं और सूरज भाव ने अपना मन बदल लिया है। वो चाहते हैं कि तुम सबकी खूब धुनाई हो। तुम्हें क्या लगता है, सूरज भाव तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? जितना तुमने उसको मारा है उसका हिसाब किताब तो पूरा होगा।
चला। हरिओम हरिओम। क्या साहेब, आपको तो सब पका पकाया मिल गया। सूरज ने आत्मसमर्पण क्या किया, वो भागने में सफल भी हो गया। इतना ही नहीं, तुम लोगों को पकड़ के उसने पीटा भी। ये खबर बाहर फैल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी पुलिस की? कौन इज्जत करेगा आप लोगों की? कितना बड़ा अपमान है ये, कितना बड़ा। मैं तो कहता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप लोगों को। हमारे पास ना इतने हथियार थे ना ही आदमी, वरना मैं उसे बताता। पकड़ के ही रहूंगा, जेल में सड़ेगा वो। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। उसे पकड़ के आप उसको ही लोगों की नजरों में हीरो बना देंगे, उसकी जय जयकार और बढ़ेगी। बात को समझिए, पूरे भारत में माहौल अंग्रेजों के खिलाफ होता जा रहा है। ऐसे में आप सूरज को पकड़ तो सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन जेल से छूटने के बाद और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे उसके साथ, उसका समर्थन करने के लिए। बिल्कुल, तो दोबारा आपको मारेगा, हमें भी मारेगा। इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूं ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कलेक्टर साहब से मिलकर आ रहा हूं मैं। उनको सब बता दिया है मैंने कि कैसे सूरज के गुंडे आप लोगों को जान से मारना चाहते थे। बागी बन गया है वो, इसलिए अंग्रेज सरकार के लिए बहुत खतरनाक। और ऐसे बागी के लिए कलेक्टर साहब ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है। सूरज को देखते ही गोली मार देने का आदेश। अब बताइए, है कि नहीं ये बड़ी काम की चीज आपके लिए? वाह बलवंत जी वाह, देखते ही गोली मार देने का आदेश। बहुत अच्छा काम किया है आपने। वैसे तो मुझे लगा नहीं था कि ये सूरज इतना घातक हो जाएगा। जाने कहां से इतने सारे लोग उसने जुटा लिए। घातक वो मूर्ख नहीं सरकार, घातक तो मेरी सोच है। मैं जानता था सूरज जैसा आदमी आत्मसमर्पण करके चुपचाप पुलिस थाने तो नहीं जाएगा। इसलिए मैंने अपने आदमी लगाए थे उसके पीछे, और जैसे ही सूरज पुलिस वालों को बांधकर वहां से निकला, मेरे आदमियों ने पुलिस पर हमला किया। अरे, और यह सब सिर्फ इसलिए ताकि मैं सूरज के खिलाफ कलेक्टर साहब से शूट एट साइट का ऑर्डर निकलवा सकूं। हमारे आदमियों को अगर वो दिख जाए तो क्या हमारे आदमी उसे मार सकते हैं? कानूनी तौर पे तो नहीं, लेकिन आत्मरक्षा के नाम पे एक शातिर मुजरिम को मार दिया जाए तो अपनी अदालत ये गुनाह माफ कर सकती है। हरिओ। और अब तो ये पुलिस इंस्पेक्टर भी हमारे पक्ष में गवाही देगा सूरज के खिलाफ। बहुत जल्दी मर जाएगा वो। हरिओम हरिओम।